subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. क्या बात है भाई, आजकल आपका दिल ना डाइजेस्ट पढ़ने में लग रहा है ना आप टीवी देख रही हैं। कुछ भी तो नया नहीं है भैया, टीवी खोलो तो वही ड्रामे, वही लड़ाई झगड़े, वही सासों के मसले। डाइजेस्ट पढ़ो तो कुछ भी नया पढ़ने को नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है सर। भैया वो मैं उस दिन के लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। किस दिन के लिए? छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। क्या? स्कूल में जॉब करनी है। सच? मैंने रजा साहब से बात कर ली, उन्होंने एक स्कूल में बात भी कर ली है। बहुत जल्द तुम्हें कॉल आ जाएगी, बस फॉर्मेलिटी के लिए अपना सीवी मुझे दे दो। अभिया, मगर वो स्कूल में पढ़ाने के लिए तो इंग्लिश का अच्छा होना बहुत जरूरी है और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। उर्दू पढ़ाने के लिए तो मेरा ख्याल है इंग्लिश अच्छे होने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही हूँ। कितना मजा आएगा ना, बच्चों पे खूब रोब डाला करूंगी मैं। बच्चों पे डाला करना, खबरदार जो हम पे डालने की कोशिश की। हम पे डालने के लिए तो आप है ना, रोब हम क्यों डालेंगे। थैंक यू। हैप्पी? मम्मी को बना दीजिएगा, सब कुछ कर लूंगी। बिल्कुल गधे हैं आप, समझ में आई आपके? भाई अगर ये सब कुछ करना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं एक दो दिन इस्लामाबाद में और रुक जाता। मगर नहीं, सारा चक्कर चलाने के बाद मौसूफ खातून से मिले भी तो अपने ख्वाबों में। अपनी मोहब्बत को बावकार तरीके से पा लेने का नादिर मौका गवा दिया है तुमने। I'm sorry, भाजन, मैं समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे माजरत करूं। मेरी वजह से वो आपकी इंसल्ट कर गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई। वैसे भी तुम जैसे लापरवाह आदमी के लिए ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट, एंड आई रियली लाइक हर एटीट्यूड। क्या भाई, इतना कुछ होने के बाद भी? यस, जब इतने अरसे से मैं आपकी शायरी और आपकी गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त कर रहा हूँ तो आपकी पसंद को भी कर सकता हूँ। You're really great, bhai. I know I'm great. अब ये मस्केबाजी छोड़े और उन खातून को मनाने का कोई अच्छा सा मंसूबा बनाए। That's a good idea. So why don't we sit and discuss it? Please. जी अम्मा। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, क्या काम है? मेरे साथ चलो, जरा कंबल और लिहाफों को ट्रंक में डाल दे वापस। ले, अभी तो अम्मा गर्मियां ही नहीं आई हैं, अभी से लिहाफ और कंबल ट्रंक में डाल दे, अभी रहने कर लेंगे बाद में। तोबा है, किस किस्म की सुस्त लड़की है, जान जाती है तुम्हारी। वैसे अम्मी एक बात मैं आपको बताऊँ, मैंने जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती की है ना वो ये की है अपना कॉलेज छोड़ के, और इस घर में जो सबसे अच्छी लड़की है ना वो है सारा। कॉलेज से आती है उसके बाद 4 घंटे कंप्यूटर पर बैठी रहे, उससे आपने कुछ नहीं कहना था। आलू छील दो अफशा, सेवैया बना दो अफशा, अब लिहाफ रख दो अफशा, और कोई नाम है इस घर में किसी और का? लड़कियों को सारे काम करने आने चाहिए, जब अपने ससुराल जाओ ना तो रख लेना खात्मा। वाह वाह वाह, बड़ा ही कोई रियासत का शहजादा चुना है ना मेरे लिए मेरे माँ बाप ने। आएगा घोड़े पे बैठ के तिकड़ 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 तिकड़। या अल्लाह, इस लड़की का मैं क्या करूं? यार मैं तो इस सोच के एंजॉय कर रहा हूँ कि जब बिलाल भाई ने उसे बताया होगा कि उन्होंने नहीं बुलाया, उसका क्या रिएक्शन होगा। अरे इज्जत बच गई तेरी। यार एक बात है, तेरे से दोस्त अगर बंदे के हों तो उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है।
शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट का। बाकी करता रहेगा कि मशवरा भी देगा कुछ यार। मेरे पास एक मशवरा। क्या? देख तू शायर कामयाब नहीं है, बिजनेसमैन कामयाब नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ नाकाम आशिक बन जा, ये तेरे लिए हैट्रिक हो जाएगी, कैसा? हाँ 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 बहुत फनी है, I really enjoyed it, okay? बकवास खत्म हो गई है, कुछ बाकी है? नहीं अभी बाकी है, अंदर जाके बताऊंगा। अभी जितनी तेरी तारीफियां करनी थी कर ली भाई। बहुत ही कमीना चला। हाँ। बड़ा कमीना। बहुत बुरे हो तुम, समझे? अब मुझे पता चला कि तुम रोज हमारे सोने का इंतजार क्यों करती हो। और ये मोबाइल ये कहां से आया तुम्हारे पास? अब क्या ऐसा बोले, अम्मी अब्बू सुन लेंगे, प्लीज मैं आपको बताऊंगी ना। मुझे अगर सबको सच सच ना बताया ना। अबिया अबिया देखिए, अबिया ये क्या कर रही है आप? सच का पता कर रही है। हाँ अफशा क्या हुआ, तू सब ठीक है ना? अब क्या कहा तुमने अपनी अबिया को? वो अबिया ही थी ना तुम्हारी? मैं उसकी अबिया बोल रही हूँ, कौन हो तुम? लड़का जो मुझे नहीं फेस कर सकता, पूरी दुनिया को क्या फेस करेगा? अरे इतना एक दिन तो सामने आएगा ही। अब यहाँ मेरी बात चुप करके यहाँ बैठो, बताओ मुझे अपनी करतूत के बारे में। अच्छा आप अम्मी अब्बू को कुछ नहीं कहोगे? सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारूंगी। कौन है ये, कहाँ मिला, कैसे? शायद नाम इसका यही मोहल्ले में होता है, केबल कनेक्शन करता है। मेरा दिल कर रहा है इस वक्त तुम्हारी गर्दन दबा दूं मैं। तुम्हें उससे मिलते हुए अपने खानदान अपने माँ बाप का किसी का इज्जत का ख्याल नहीं आया? तुम्हें पता नहीं ऐसे लड़के कितने चीप होते हैं? लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। कैसे वो घर घर केबल जोड़ने वाला लड़का, क्या होगा उसका फ्यूचर? मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी आज ना उससे मिली तो। और ये फोन ये मैं उसे खुद जाके वापस करूंगी। अभी आप तुम अब चुप कर जाओ, जाके सही है। और सुना? सुनो एक मिनट रुक, शायद कहाँ है? वो तो नहीं है। ये मोबाइल उसे दे देना और कहना कि अपने मोबाइल अपने पास ही रखे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बाद में बात करता हूँ यार। Oh God, Mrs. Shamshad, please, please अब बता भी चुके। Good news है आपके लिए, ना कहीं लड़की की शादी हुई है और ना कहीं engagement। Really? कहाँ रहती है? कब चलना है? बताएं ना। ओफो, लड़की समझदार है, मैंने उसे मुख्तसर सब कुछ बता दिया है। उसके घर का नंबर मैंने ले लिया है, उसकी माँ से बात करेंगे तो चले चलेंगे। वैसे ये रहा नंबर, तुम खुद भी बात कर सकती। नहीं नहीं आप ही करें बात, मगर चल रही। साले को आप आंटी, साले को कैसी हैं आप? वाली मुस्लान, जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। आपका भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बेटा तो बहुत ही हसीन और जमील हो गया। बस अल्लाह मियां मेरे बेटे को नजरे बद से बचाए। आमीन सुमा आमीन। वैसे आज आंटी की मौजूदगी में ये यकीन हो रहा है कि आप लोगों ने अपना गोल अचीव कर लिया है ना? बिल्कुल ठीक समझे। अब बहुत जल्द हम उनके घर जाएंगे और मेरा बेटा मेरे साथ चलेगा। मम्मी मैं क्या? अच्छा अच्छा, अगर तुम नहीं चाहते तो ना जाओ, हम ब्याह के ले आएंगे जैसी भी बुरी भली होगी। अरे मेरी प्यारी मम्मी, अगर मुझे कुछ कहेंगी मैं भला कैसे टाल सकता हूँ? आप ये मुझे बताइए चलना कब? यार ये क्या किया यार, सिम तोड़ दी तूने यार। यार वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, बताया तो था तुम्हें। तो फिर मैंने नई सिम ले ली थी और ये मोबाइल रख लूंगा। अबे दिखा, अबे तू मां कान के नीचे, शायद को पता चल गया ना तो पता क्या हल करेगा यार। तू उसे बताएगा कौन? अबे तो इस्तेमाल कहां करेगा, कब्रिस्तान में? अबे वो देकर तो मुझे गई थी ना, शायद के लिए, तेरे लिए नहीं। अब जा अपना काम कर। साला सिम तोड़ दी, अब झूठ मुझे बोलना पड़ेगा। आज क्या बेवकूफी कर आई हूं,
क्यों दे दिया नंबर उन्हें? पता नहीं अम्मी क्या सोचेंगी। मुझे अम्मी को बता देना चाहिए। अपिया? हाँ? आपने बात की? कौन सी बात? लो, आपको खुद ही याद नहीं है स्कूल की मेरी जॉब की बात? हाँ वो कर ली थी। फोन नहीं आया तुम्हें कोई? नहीं। अच्छा फिक्र ना करो, आ जाएगा, बात पक्की है। ओके थैंक यू। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? ऐसी बातों की जिद क्यों कर रही हो जो मुमकिन ही नहीं है? कौन से वालदैन होंगे जो जवान जहान लड़की को समंदर पार भेज देंगे? मुझसे तो ये बात कर ली है, अपने बाप के सामने ये बात ना लेके बैठ जाना। मगर अम्मी सारे अखराजात तो कॉलेज उठा रहे हैं ना, फिर आपको क्या इतराज है? क्या हो गया, आप लोग किस बात पे चीख रहे हैं? कुछ नहीं अपिया, दिमाग खराब हो गया बेटा इसका, पागल हो रही है बाहर जाने के जुनून में। अच्छा है लड़की है, लड़का होती तो कब काम में छोड़ के जा चुकी होती। अम्मी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? बच्ची है, समझ जाएगी। यही सोचकर तो उसकी हमाकतें बर्दाश्त करती हूँ बेटा। खाना लगाओ, तुम्हारे अब्बू तो इशा पढ़ने चले गए। नहीं अम्मी, अब्बू के साथ ही खाऊंगी। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। वो मैं पता नहीं कैसे आपको बताना ही भूल गई, मुझे एक खातून मिली थी बस स्टॉप पर, नंबर मांग रही थी तो मैंने दे दिया। गलत किया ना? नहीं, बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो अच्छे लोग हुए तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होगा ना? अम्मी अफशा से पहले कैसे मुमकिन है? सब बेहतर हो जाएगा। हो सकता है हम तुम्हारी और अफशा की रुखसती एक साथ करें, तुम्हें तो एतराज नहीं है ना? आपके किसी फैसले पे कभी मुझे एतराज हुआ है? जीती रहो बेटा, सलामत रहो मेरा बच्चा। क्या कह रही थी? कब आई थी? यार देख मैं तो था नहीं, शुएब को मोबाइल दिया तेरा, तेरा पूछ और चली गई। देख जैसा दिया वैसे ही वापस किया, चेक कर ले तू। अबे नहीं यार, तू ना भी देता ये मोबाइल तो मैं उससे जाके पूछ थोड़ी नहीं लेता। अच्छा तू ये बता कि आजकल देवदास क्यों बना हुआ है? यार तू ठीक कह रहा था, ये दिल की लगी बनती जा रही है। वो तो तेरी हालत से पता लग रहा है प्यारे। अच्छा तू ये बता कि उसका नंबर है तेरे पास? हाँ है तो, मगर अरे अगर मगर छोड़ यार, उसकी तू फिक्र मत कर। अपना शुएब है ना यार, लड़की की क्या आवाज निकालता है यार। देख फोन वो करेगा वो मजे से तू बात करियो। यार इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। चल अभी चल। टाइम देखा तू? रात के 12 बजे। अबे रात के 12 बजे कोई सहेली भी फोन नहीं करती। चल आराम से चलेंगे, खूब बात करियो यार तू। अभी एक काम करते हैं, चलते हैं चाय पराठा खाते हैं। चले चल। देखा है मत, अल्लाह कितने मुसब्बिब अस्बाब है, कैसे गैब से किसी का रिश्ता भेज दिया अलमास के लिए। बस अब उस खातून का फोन आ जाए ना तो मजा आ जाए। भाई जब नंबर लिया है तो फोन भी जरूर करेंगी वो खातून। अच्छा है मत, अगर उन्होंने शादी में जल्दी की तो इतने सारे इंतजाम कैसे होंगे? अगर हालात अच्छे होते तो अफशा को भी अलमास के साथ रुखसत कर देते। देखें बेगम, मायूसी कुफर है, और आप अपनी ही बात की नफी क्यों करती हैं?
देखें जब उसने वसीला बना के रिश्ते की उम्मीद पैदा की है तो वही शादी भी कराएगा। हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है। और हाँ, अगर वो लोग माकूल हों और लड़का अच्छा हो तो फिर आप पसुपेश मत कीजिएगा। देखिए बेगम, हमारे ऊपर के मकान की तामीर जो है वो हमारी बेटी के मुस्तकबिल से ज्यादा जरूरी नहीं है। इंशाल्लाह सब बेहतर करेगा अल्लाह। इंशाल्लाह। अबे भाई तू जूस पीना यार, तू टेंशन किस बात की ले रहा है यार, जूस पी, जान बना जान बना। देख बस तू मेरे पेपर दे दे जाके यार, बस तेरी मेहरबानी होगी। मगर जवाब भाई मैं कैसे दूंगा आपके पेपर। अबे यार कैसे देना क्या मतलब यार, कोई मुश्किल काम थोड़ी है ये। बस जाना वहाँ बैठना, टक 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 लिखना, सब लिख के पेपर दे के आ जाना। रिजल्ट आएगा तेरा भाई पास हो जाएगा ना, मैं जाके दूंगा जाके चचा को, ये लो चचा मैं पास हो गया बीकॉम में। हैं मगर जवाब तो यार मरवा दोगे यार। अबे कैसे मरवा दोगे, मैं तुझे कोई जात पे भेज रहा हूँ, मिशन पे भेज रहा हूँ, किसी पेपर देने भेज रहा हूँ, उसमें कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी होता यार। आप भी खड़े हो अदर भाई, बिस्किट दो इसको, बिस्किट दो, बिस्किट दो, बिस्किट दो, बिस्किट। हाँ मेरा भाई नहीं है जवाब, पढ़ा हुआ भी नहीं है। अबे पढ़ा हुआ क्या यार, सब पढ़ लेता आदमी को, एक दिन में तैयारी रहती है यार। मेरा बच्चा बिस्किट खा, तू बिस्किट खा, बस ज्यादा बोल नहीं तू यार, बस तू पेपर दे मेरे जाके। देख भाई की इज्जत रख लीजो, हैं मेरा बच्चा, बस मेरे पेपर दे दे तू, ठीक है। आजा आजा। अच्छा अदर भाई देख लीजिए मेरे पैसे हिसाब में। अच्छा हेलो, कौन बोल रही हो? सलमा, अफशा की दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। अच्छा होल्ड करो बेटा, मैं बुलाती हूँ अफशा को। अच्छा अफशा, अफशा ये ले, बात करती लैला से। हेलो हेलो अफशा, मैं शाहिद। तुमने अम्मी से क्या कहा? वो मेरे एक दोस्त ने लड़की बनकर बात की थी उनसे। अफशा मैं तुमसे किसी भी हाल में मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे मिलो। नहीं मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। देखो अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना तो फिर मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे बिना। देखो नहीं नहीं तुम ऐसा गजब ना करना प्लीज। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, तुम ऐसा करो मुझे मुझे बाद में फोन करना, ओके? तो फिर मैं कब करूं तुम्हें फोन? वो हाँ सोहर की नमाज के बाद कर लेना, अम्मी उस वक्त सो जाती है। और प्लीज अगर कोई और उठाए तो कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं, समझे? ओके बाय। जोर की नमाज। देखो हमाद जिद मत करो, मैंने लड़की को देखा है, तुम्हें पसंद भी है, तो फिर ये सारे ड्रामे करने की क्या जरूरत है? उनका एड्रेस लाकर दो मुझे, ताकि मैं खुद जा सकूं तुम्हारा प्रपोजल लेकर। किसी और की क्या जरूरत है? जरूरत है भाई, जरूरत है। आपने खुद को एक हॉल में बंद करके रख दिया है, दुनिया की हर खुशी से खुद को दूर कर लिया है सिर्फ मेरे लिए, ये कोई बात तो ना हो। बस ये फाइनल है कि पहले आप शादी करेंगे, फिर आप और मेरी भाभी मिलकर मेरा प्रपोजल लेकर उनके घर जाएंगे, ये मेरी ख्वाहिश है। हाँ चाहे वो तब तक किसी और की हो जाए। हमाद तुम क्यों वो गलती करना चाहते हो जो मैंने? नहीं भाई प्लीज बस करें, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। मैंने कह दिया कि पहले आपकी शादी होगी उसके बाद मेरी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा, एंड दैट्स फाइनल।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी यही नंबर है, जीवनी का घर है। आप कौन? मिसेस शमशाद। अच्छा मैं अम्मी को बुलाती हूँ, आप होल्ड कीजिए। हेलो। वालेकुम सलाम। जी मैं अलमास की अम्मी बोल रही हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिक्र किया था अलमास ने जी। नहीं नहीं सही कह रही हैं, बिल्कुल ये तो नसीबों की बात होती है। बिल्कुल तशरीफ लाया। ये आप ही का नंबर है? ठीक है, मैं अलमास के अबू से मशवरा करके फिर आपको बता दूंगी इसी नंबर पे। जी ठीक। हाँ ओके ओके ओके। अल्लाह अलमास के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा। अच्छे खाते पीते लोग हैं, लड़का भी अकलूता है। बस दुआ करो अलमास उनको पसंद आ जाए। क्यों नहीं पसंद आएंगी, आखिर हमारी जो अपनी है जरूर पसंद आएंगी। कितना मजा आएगा ना, अमेरिका जाने से पहले मैं दोनों की शादियां अटेंड कर लूंगी। हेलो हेलो हेलो। रिश्ते जो होते हैं ना वो आसमान पर तय होते हैं। देखिए किस तरीके से सारे मामले तय हो रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अलमास हमारे इस घर की बहू बनकर आ जाएगी। अच्छा कब चलना है वहाँ? बात ये है मिसेस बेक कि अलमास की वालदा ने कहा है कि मैं अपने शौहर से बात करके आपको जवाब दे दूंगी, वो कल दे देंगी मुझे जवाब। कोई नहीं जानता कि मुझे अपनी बहू को देखने की कितनी जल्दी है। अरे मैं तो अपनी फाद की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं। और हाँ वो फाद नजर नहीं आ रहा बच्चा, कहाँ है? फैक्ट्री गया है, एक असाइनमेंट डिलीवर होने वाली थी। मैंने फोन पे ताकीद की थी मिसेस बेक कि अपनी निगरानी में करा के आए। बहुत मेहनती बच्चा है। वैसे बेटा किस माँ का है, बस हमारी तो दुआ है कि अल्लाह इस घर को नजर बस से बचाए। सुमान ये लो बेटा। थैंक यू थैंक यू। अफशां आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकला, कह रही थी बिरयानी बनाऊंगी किचन में। रेली ये तो वाकई बहुत अच्छा चेंज है। अबू आ गए? बस आते ही होंगे, बड़े जालिम लोग हैं। अपने अब्बू की उम्र तालीम और तजर्बा देखो, और तनख्वाह पता है कितनी लगाई उन्होंने, सिर्फ 6,000 रुपए। अम्मी मेरा दिल बहुत दुखता है अब्बू को इस उम्र में काम करते हुए देखे। लो भाई अब ये हमसे पूछेंगे कि बाजे किस वक्त बजते हैं। जी और बाहर कब छाती है। तो वाकई पागल हो गई अम्मी, कैसी चुपट बातें कर रही हैं। बेटा आज मिसेस शमशाद का फोन आया था, वो लड़के वालों के साथ तुम्हें देखने आ रही हैं। ओहो अपिया आपको तो ना शर्माना भी नहीं आता। मैं बताती हूँ मैं बताऊँ अपिया, देखे देखे ऐसे ऐसे सिर पे दुपट्टा ले सिकरी। इसको डाइजेस्ट ला देती हूँ, ये कौन सा खवातीन का है। अच्छा आज मैं आपको तैयार करूंगी और आप देखेगा कैसी बिजलियां गिरेंगी उनके ऊपर। शट अप। अल्लाह अल्लाह करके तेरे सर के दर्द खत्म हुआ है।
और इतनी मेहनत करके तू उसे वापस बुला रहा है। यार मैं तो ठीक हूँ, ये सुबह सुबह कौन सी ऐसी आफत आ गई जो तू आ गया? यार बिलाल भाई ने कहा है कि मैं उन मोहतरमा का एड्रेस ढूंढूं ताकि मेरा प्रपोजल लेकर वहां जा सके। ये तो खुशी की बात है, ये मुंह क्यों लटकाया है? मैंने मना कर दिया यार। क्यों? मैंने उन्हें कहा है कि पहले वो शादी करेंगे, फिर वो और भाभी मिलकर मेरा प्रपोजल लेकर वहां जाएंगे। तो तेरे ख्याल में वो जो तेरी यकतरफा महबूबा है वो सारी जिंदगी तेरा इंतजार ही करती रहेगी है? यार एग्जैक्टली यही बात भाई ने भी की है। तुम दोनों की सोच इतनी मिलती कैसे है?